कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम हाउसकीपर सीधी भर्ती 2022 से संबंधित। जी हाँ फ्रेंड्स, 13/7/2022 देख लीजिए आज का ही नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स। और ये न्यूज़ उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 9/7/2022 को जो परीक्षा आयोजित थी, जिन्होंने एग्जाम दिया था, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स। आराम से पढ़ना। देखिए, बोर्ड द्वारा सामान्य प्रशासन शिक्षा विभाग के लिए हाउस की प्रसिद्धि भर्ती परीक्षा 2022 से 29/3/2022 को विज्ञापन जारी, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए और 9/7/2022 को परीक्षा आयोजित कराई गई। इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने हेतु 14/7/2022 से 23/7/2022 तक रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन संशोधन हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। और फ्रेंड्स, किस किस में आप संशोधन कर सकते हैं देखना। अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में श्रेणी, विशेष श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि, लिंग व वैवाहिक स्थिति इत्यादि में निर्धारित रूप 300 रुपये का शुल्क ऑनलाइन भुगतान करें संशोधन कर सकेंगे। इसके अलावा किसी में संशोधन नहीं कर सकेंगे। जैसे आप आवेदक के नाम में, माता पिता के नाम में, पता, शैक्षणिक योग्यता, फोटो एवं हस्ताक्षर में संशोधन प्रतिबंधित रहेगा, यानी आप इनमें संशोधन नहीं कर सकेंगे। आवेदन के नाम के, माता पिता के नाम, शैक्षणिक योग्यता, फोटो एवं हस्ताक्षर में त्रुटिपूर्ण सूचना में संशोधन हेतु चयन होने की स्थिति में दस्तावेज सत्यापन के समय ही विचार किया जाएगा। उक्त समय सीमा के पश्चात किसी भी स्थिति में बोर्ड द्वारा कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। इस हेतु बोर्ड द्वारा कोई भी ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जिन विद्यार्थियों ने हाउसकीपर का एग्जाम दिया और उसमें किसी प्रकार की, मैंने आपको बताया, विशेष श्रेणी, जन्मतिथि या वैवाहिक लिंग में किसी प्रकार की कोई गलती होगी, तो वो आप 23 जुलाई से पहले पहले आप 300 रुपये का शुल्क देकर संशोधन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट RSMSSB से आप इसको नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। और जिस PDF फाइल चाहिए तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया वो किसी समय का इंतज़ार किए बिना आप 23/7 से पहले पहले आप इसको संशोधन को कर दें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।